महानगर में घूम रहे आवारा पशुओं को नगर निगम के द्वारा पकड़कर कान्हा उपवन पहुंचाया जा रहा है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए बड़ी संख्या में वाहन को लगाया गया है, जो कि लगातार शहर में चलते रहते हैं और जो आवारा पशु हैं उसको ले जाकर कान्हा उपवन में रखा जाता है तथा अच्छी तरह से देखभाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि लोग अपने पशुओं को दूध निकालने के बाद उसे छुट्टा छोड़ देते हैं, जिससे वह पशु सड़क के किनारे व डिवाइडर के पास बैठते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि गाय को गाय माता और गोवंश को नंदी का दर्जा देते हैं, इनको भगवान के बराबर मानते हैं, तो सबका कर्तव्य बनता है कि इनको छुट्टा ना छोड़े तथा दूध निकालने के बाद अपने घर पर ही पशु को रखे, क्योंकि रोड पर पशु से एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी के साथ साथ वाहन चलाने वाले का भी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है कि जितने भी शहर में आवारा पशु हैं उनको ले जाकर कान्हा उपवन में रखा जाए तथा जगह जगह पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि किसी पशु को सड़क पर ना छोड़े। अगर पशु को घर पर रखने में असमर्थ है तो उसे कान्हा उपवन में पहुंचा दे, उनकी देखभाल नगर निगम करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, पशुओं को जो पकड़ने वाले वाहन हैं बड़ी संख्या में हमारे पास हैं और वो लगातार शहर में चलते रहते हैं और लगातार हम उस पर उसके माध्यम से जो ऐसे पशु हैं, ऐसे गोवंश हैं, उनको ले जाकर हम लोग अपने कान्हा उपवन में रखते हैं, वहाँ पर की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने उन तमाम दर्शकों से, उन इस चैनल को देखने वालों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि एक देखने में आ रहा है कि लोग अपने पशुओं का दूध निकालने के बाद उनको छुट्टा छोड़ देते हैं, जिससे कि वो पशु जो है आके सड़कों के किनारे या सड़कों के डिवाइडर के पास आके बैठते हैं। तो मेरा उनसे यह अनुरोध है कि जहाँ हम लोग एक तरफ अपनी गाय को माता का दर्जा देते हैं, गोवंश को नंदी का दर्जा देते हैं, तो आप जब एक तरफ हम उनको भगवान के बराबर मानते हैं तो हमारा ये एक कर्तव्य बनता है कि हम उनको छुट्टा ना छोड़ें, हम उनका दूध निकालने के बाद एक स्वार्थवश उनको इधर उधर घूमने के लिए ना छोड़ें। कई बार मैं बड़ा हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट जब होता है तो जहाँ वाहन का तो नुकसान होता ही है, वाहन चलाने वाले का नुकसान होता है, वहीं हमारे इन पशुओं को भी चोट लगती है, वो घायल हो जाते हैं। तो मेरा जहाँ नगर निगम पूरा प्रयास कर रहा है अपने पूरी सक्रियता के साथ कि हम इनको ले जाके अपने कान्हा उपवन में रखें, वहीं मैं इन लोगों से अपील भी करना चाहूँगा। और इस क्षेत्र में हम लोग जगह जगह पोस्टर भी चिपका रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं कि अगर ये हमारे आप इनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं और तो आप इनको छुट्टा इधर उधर छोड़ो, क्योंकि ज़्यादातर इधर देखने में आ रहा है कि ये 8 बजे के बाद जो लोग दूध निकाल लेते हैं उसके बाद संख्या इनकी अचानक बढ़ जा रही है। अब इनसे सबसे मैं यही अपील कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इनको अपने दूध निकालने के बाद भी घर पे ही इनको रखें, और अगर इनको वहाँ पे रखें और इनको दूध निकालें उनको खुला मत छोड़ें, कोई खुला छोड़ने निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है। एक को हम IC के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से और जगह जगह डुगडुगी और लाउड स्पीकर के माध्यम से, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को इस मामले में जागरूक कर रहे हैं कि ऐसा ना करें। अगर वो अपने जानवरों को ना रखने में असमर्थ भी हो रहे हैं, वो भी बात नगर निगम के संज्ञान में लाएँ, हम ऐसे जानवरों को अपनी गाड़ी से अपने कान्हा उपवन में ले जाएंगे, वहाँ पर उन जानवरों की हम देखभाल करेंगे। लेकिन चाहे वो असक्त हो गए हों, चाहे वो बीमार हो गए हों, अथवा वो दूध देने के काबिल ना रहे, लेकिन उनको सड़कों में कदापि ना छोड़ें।